सो मैं हाँ संदीप चौधरी ते मैं थोड़ा स्वागत करदा न्यूज़ 18 इन पंजाब दे विच। अज बड़ी खुशी की गल है कि राजपुरा दे प्रताप कलोनी की एक बच्ची ने PCS दी जुडिशली दा एग्जाम जिहड़ा है क्लीयर किया ते जज बनी है। आरजू गिल जज बनी है ते पूरे शहर दे विच जिथे खुशी की लहर है उत्थे ही पूरे पंजाब विचों जिहड़ा है वधाइयां दे फोन आ रहे हैं क्योंकि ओह समाज है जिस चो आरजू गिल अज जज बन के जिन्हें नाम रोशन किया अपने समाज का तो चारों तरफ अज खुशी का माहौल है। तो तुम देख सकते हो पूरा परिवार इस टाइम मेरे नाल है। तुहानू दिखाया कि आरजू गिल दे जिहड़ी प्रताप कलोनी है उत्थे किस तरह टोल टमके दे नाल लोग वधाइयां देन वास्ते उरे तांता लग्या हुआ इन्हां दे घर ते। सब तो वड्डी गल है फादर जिहड़े हैं BSNL दे विच इक ड्राइवर की नौकरी करते सी। ड्राइवर की नौकरी करते हुए अपने बच्चे नूं अज इस मुकाम तक पहुँचाना किवें आरजू गिल अज जज दे मुकाम तक पहुँची है किस तरह सारा सफर रहा। न्यूज़ 18 पंजाब तीसरी बच्ची जिहड़ी राजपुरे की जज बनी है आरजू गिल उहदे नाल गलबात करना है तो मैं स्वागत भी करांगा तो मैं मुबारकां भी देवांगा आरजू जी तुहानूं। तुसीं अज अपने शहर का नाम रोशन किया अपने समाज का नाम रोशन किया तो की कहना चाहोगे किस तरह की जर्नी रही कितों स्टार्ट किया कितों तुहाडी स्कूलिंग सी जी? सर गुड इवनिंग गुड मॉर्निंग सबनों। तो मेरा नाम आरजू गिल है तो मेरी स्कूलिंग स्टार्ट हुई सीगी CM पब्लिक स्कूल तो। मैं अपनी जो ग्रेजुएशन है वो कंप्लीट की आ पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला तो जितों मैं अपनी लॉ की डिग्री भी कंप्लीट की आ। तो वो बाद मैं अपनी जुडिशरी की ट्रेनिंग ली आ कोचिंग ली आ चंडीगढ़ तो। जिस तो बाद फिर मैं एग्जाम दिता तो मेरा एग्जाम फस्ट अटैम्प्ट ही क्लीयर हो गया। तो मेरी जर्नी ज़्यादा मुश्किल नहीं सी। हार्डवर्क तो हर एक चीज़ के लिए ही करना पैंदा आ कोई भी जर्नी होवे उहदे लई तुहानू हार्डवर्क करना ही पाऊगा। तो मैं बहुत खुश हाँ कि मैनू अज इस चीज़ के विच सक्सैस मिली है। चंडीगढ़ तो कितों कोचिंग लीती सी ते किन्ना क साथ रहा कोचिंग दे विच उहनां दा? हाँ जी मैं चंडीगढ़ 36 सैक्टर दे विच डिवाइन इंस्टीट्यूट आ उत्थों अपनी कोचिंग कंप्लीट की आ। तो मेरी कोचिंग दे दौरान ही मैनू जिहड़े टीचर्स मिले वो इन्ने ज़्यादा ही सपोर्टिव सीगे जिन्होंने मैनू थ्रू आउट मेरी जर्नी सपोर्ट किया। तो उन्हां दी गाइडेंस दे करके ही असीं इत्थे तक पहुँचे हाँ। ते की बच्चों नूं संदेश देना चाहोगे? हाँ जी मैं बच्चों नूं आही संदेश देना चाहूँगी कि तुसी अपनी लाइफ दे विच हार्डवर्क करो। तो अगर तुसी अपने लाइफ नूं लैके डिटरमाइंड हो अपने गोल नूं लैके डिटरमाइंड हो दैन थोड़ा एम जरूर पूरा होगा। तो ऑलवेज बिलीव इन गॉड। तो मैं सुनिया कि तुसी दो भैन भरा हो तो माँ बाप का किस तरह साथ रहा तुहाडे इस जर्नी दे विच? क्योंकि सब तो वड्डी गल है कि जब बच्चा थोड़ा जिहा वड्डा हुंदा है माँ बाप उहदे विआह बारे सोचण लग जांदे हैं बच्चे का जिहड़ा है विआह कर दित्ता जिवें फादर नाल मेरी गल होई है। की कहना चाहोगी कि किस तरह दी मुश्किलां दा सामना करदे होए तुसी अज जज दे मुकाम ते पहुंचे हो? हाँ जी मैं जदों भी अपनी स्टडी जदों मैं अपनी स्टडी कर रही सी उस दौरान मैनू कदे भी मेरे पेरेंट्स ने यह नहीं कहा भी असी तेरा विआह करना आ या कदे किसी का बाहरों अगर कोई जिदा इदा की कोई गल हुंदी सीगी तां वो स्ट्रेट अवे मना कर देंदे हुंदे सीगे भी नहीं तू अपने गोल नू अचीव कर जो तेरा गोल आ अपना एम आ वह पूरा कर। तो मैं देखती हुंदी सी सारयां नू कि है ना कोई भी इन्ना सीरीयस नहीं अपनी स्टडीज़ नू लैके। तो मैं हमेशा बच्चों नू आही कहिंदी सी बाहर भी कि तुसी अपनी स्टडी वल ध्यान देवो स्टडी वल ध्यान देवो। मैं मैनू बहुत खुशी होगी अगर मैं किसी दे लई है ना एक सिद्धांत बनदी हाँ कि एक एग्जाम्पल बनदी हाँ तो वह भी अपनी लाइफ दे विच सक्सैस अचीव करदे आ। कभी पढ़ाई दे दौरान कोई नैगेटिव थीम दिमाग दे विच आया होवे भी मतलब भी मैं नहीं कर सकती हुण ये भी मतलब कोई यह जहा समा आ गया हो भी कुछ पढ़ाई करते करते भी एकदम बच्चे दे दिमाग दे विच आ जांदा भी मैं किस तरह करांगी भी मेरे तो शायद नहीं होएगा ये चीज़ कभी कुछ यह जहा कुछ होया हो? हाँ मैं जदों भी अपनी स्टडी कर रही थी जिस दौरान मैनू कदे कदे मैं इन्नी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाती सी भी मैं सवेर तो लैके शाम तक पढ़ रही हाँ। तो फिर मैनू हुंदा सीगा मेरे मम्मी ने हमेशा मैनू आ गल कही है कि जदों भी तैनूं लगे ना भी तू हनेरे विच खड़ी हाँ तद हनेरे दे बाद हमेशा रोशनी जरूर मिलती है। तो अगर तू हार्डवर्क करेंगी तो वह टनल दे एंड दे विच तैनूं जाके लाइट जरूर मिलेगी। की रैंक आया अपना? हाँ जी मेरा रैंक 11th रैंक आ। हाँ जी उस तो बाद जर्नी कितों स्टार्ट होगी कितों तुहाडी जॉइनिंग होएगी किवें ट्रेनिंग होएगी क्या? हाँ जी
मेरी जो हुण 6 मंथ्स की ट्रेनिंग होगी दैन उस तो बाद ही मैनू जो मेरा डिस्ट्रिक्ट होगा जो भी एरिया होगा वह मैनू अलॉट किया जाऊगा। ठीक है जी। सो ये आरजू गिल तो आप गलबात कर लें मदर नाल क्योंकि इस मुकाम तक पोचन दे विच सब तो वड्डा हाथ जिहड़ा है माँ का मनिया जाता है तो जिवें आरजू गिल भी कह रही है कि माँ बाप का बड़ा साथ रहा। आप गलबात कर लें की नाम है जी तुहाडा? ममता जी। ममता जी मैनू दसो भी पढ़ाई दे विच किस तरह मैनू वैसे एक गल पुछनी तां नहीं चाहिए पढ़ाई दे विच जे अच्छी सी तां ही हां जी हां जी ते मतलब किस तरह दी मुश्किलें आंदियां सीगियां बहुत पढ़ाई करनी पैंदी सी तुसीं तां देखिया है ना। हां जी हां। दो पॉइंट तरह की कहना चाहोगे? बस ये कि ये आम बच्चा मंगा बाहर नहीं खेडे ज्यादा। हाँ जी हाँ जी। ये सिर्फ अपनी पढ़ाई च ही ध्यान दे इन्होंने दोनों भैन भाइयों ने। ठीक है जी। तुसी कभी इन्हां नूं कहा होवे भी हर टाइम जो माँ बाप कह रहे हर टाइम कई जिहड़े बच्चे पढ़ते ही नहीं है उन्होंने तो कहते तुसी पढ़ते नहीं जिहड़े बच्चे बहुत ज्यादा पढ़ते उन्होंने माँ बाप कहते हैं कि हर टाइम तुसी पढ़ते रहते हो कुछ खाने वाल ध्यान या कुछ कभी? हाँ जी हाँ ये तो मैं बहुत कैनेडा गया ओदे तो बाद साडी कदे लड़ाई नहीं हुई। ठीक है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹਦਾ ਕੱਲ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੈਂ ਆ ਜੰਨਾ ਉਰੇ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਮੇਜ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੀ ਹੁਣੇ ਉੜ ਕੇ ਆ ਜਾਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਆਰਜੂ ਹੁਣ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਤੇ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਹੋਏਗੀ ਕਿੱਥੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾਓਗੇ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਏਗੇ। ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਏਗੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਮਿਲੇਗੀ ਜੱਜ ਦੀ ਸੀਟ ਤੇ ਬੈਠੇਗੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ? ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੋਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਾਊਡ ਹੈ। ਪਾਪਾ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਕੁਛ ਮਤਲਬ ਪਾਪਾ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਥ ਰਿਹਾ? ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਲਈ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕੀਤਾ ਆ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਬਚਪਨ 'ਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਖੇਡਣ ਲਈ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਬੁਲਾ ਲੈਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਖੇਡਣਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੀਰੀਅਸ ਹੋਵੋ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਰੀਅਸ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਖੇਡਦੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵਾਂਗੂ ਦੂਸਰੇ ਵਾਂਗੂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਅਤੇ CM ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਸਟੱਡੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਟੀਚਰ ਜਿਸ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਜ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੱਜ ਮੈਂ? ਹਾਂਜੀ ਕੋਈ ਐਜ ਏ ਟੀਚਰ ਦਾ ਨਾਮ ਕੋਈ? ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਥਰੂ ਆਊਟ ਮੈਨੂੰ ਆਲਮੋਸਟ ਸਾਰੇ ਹੀ ਟੀਚਰਸ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਮਿਲੇ ਜੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਛ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਹਲੇ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤੂੰ ਹਲੇ ਤੱਕ ਯਾਦ ਆ ਜੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਚਪਨ 'ਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਅਗਰ ਮਿਲਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਆਇਆ? ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਇਹ ਸੀਗੇ ਆਰਜੂ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇਸ ਮੁਕਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ BSNL ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰਾਈਵਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਮਿਸਾਲ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬੱਚੇ ਨੇ ਇੱਕ BSNL ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰਾਈਵਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਜੱਜ ਦੇ ਮੁਕਾਮ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਬਸ ਮੈਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜੀ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁੱਛੋ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਅੰਦਰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਹੰਝੂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵੱਧ ਚੁੱਕਿਆ ਫੋਨ ਆ ਰਹੇ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਕਰਾਂ 500 ਫੋਨ ਹੋਣਾ ਕੱਲ ਦਾ ਰਾਤ ਦਾ 8:30-9 ਦਾ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਆਏ ਹੋਣੇ ਸਭ ਦੇ ਜੀ ਸਭ ਦੇ ਸਭ ਦੇ ਸਭ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਿਆ ਸੀ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਪਾਓ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠੇ ਹੈ ਜੀ। ਬੱਚੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੀਗੇ ਆਰਜੂ ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਗੀ? ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਈ ਮੈਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਆਪੇ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਕਦੇ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕੁਛ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਆਈਆਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਸਰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਕਦੀ ਵੀ ਕਦੀ ਵੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਬਸ ਮੈਸੇਜ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਆਪਣੇ ਰਾਜਪੁਰੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਸਾਲ ਬਣਾਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਵੀ ਹਾਂ ਇਹ ਰਵੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੈ ਐਂ ਕਹਿਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਖੈਰ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਰਵੀ ਦੀ ਕੁੜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ
इन्हों के बिट्टू प्रधान जी साढ़े इस टाइम मौजूद है। बिट्टू जी किस तरह का लग रहा है, किस तरह महसूस हो रहा है? अज बहुत खुशी हो रही है कि साढ़े प्रताप कलोनी की शान आरजू गिल जिहड़ी प्रताप कलोनी दे जज बन के आई है, पूरे ऑल वर्ल्ड नूं मैं लख लख वधाई दिंदा। तो आरजू गिल जी नूं भी, साडी भतीजी है, साडी बेटी है, बहुत मेहनत की इन्होंने आरजू गिल जी ने, भी खेलन वाल घट ध्यान दिता, पढ़न च बहुत ध्यान दिता। मैं सब तो ज़्यादा जिहड़ा क्रैडिट है इन्हां दे फादर साहब नूं ते इन्हां दी मदर नूं देवांगा, भी जिन्होंने भी इन्नी मेहनत नाल बच्चे नूं पढ़ाया, इन्नी देख रेख करनी बच्चे की हरेक कोई माँ बाप भी बेचारा नहीं कर सकता। ठीक है, तो बाकी मैं संदेश यही देवांगा भी हर एक बच्चे नूं अपने माँ बाप का कहना मानना चाहिए, तो पढ़ाई दे विच इन्ना क पढ़े, इन्ना क पढ़े भी जिस तरह साडी बच्ची साडी जज साहब आरजू गिल जी ने पढ़ाई करके अपना मुकाम पूरा कराया, हरेक बच्चा इस तरह ही अपना मुकाम पूरा करे। सो असी प्रताप कलोनी दे विच खड़े सी ते आरजू गिल जिहड़ी है जज बने हैं, बहुत बहुत मुबारक दिंदे हां। राजपुरा का नाम ही नहीं पूरे देश का नाम जिहड़ा है, भारत का नाम जिहड़ा है रोशन किया इन्हां वल्लों। तो सब तो वड्डी गल है इन्हां दे समाज का नाम अज बड़ा रोशन होया आरजू गिल दे जज बनन दे नाल। दो कुड़ियां इस तो पहलां भी राजपुरे दीयां जज बन चुकी है, राजपुरा दा नाम रोशन होया। हुण देखना होगा कि आने वाले दिनों दे विच आरजू गिल वंगर इन्हां दे इन्हां नूं देखदे होए होर राजपुरा दे बच्चे जिहड़े हैं इस ली ते तुरन ते राजपुरे दा नाम रोशन करन। कैमरामैन मोहित दे नाल संदीप चौधरी, न्यूज़ 89 पंजाब। न्यूज़ 89 पंजाब, हर खबर जिसका होवे असर।